आज जो है वो मखसूस नशस्तों से जो है ना सर वो सुन काउंसिल की जो दरखास्त थी उसमें फैसला महफूज कर लिया गया और अब उसमें सवाल ये है कि मुमकिन सवाल करना चाह रहे हैं लोग अगर क्या सर फैसला आ सकता है उसके अंदर नहीं, नहीं, आप या नहीं मिलेंगी आप या फिर? सुप्रीम कोर्ट में केस है हम उसे स्पेकुलेट तो नहीं कर सकते आज तो हमारे वो जो चेयरमैन है पीटीआई के वो भी गुफ्तगु कर रहे थे बिल्कुल उन्होंने भी बड़ी मोहतात गुफ्तु की गौर जी बैरिस्टर गौर साहब हाँ अखबार वाले तो उकसा रहे थे उन्हें नहीं, नहीं हम सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अच्छी तो आते हैं सुने सर हम स्पेकुलेट नहीं करना चाहते आपके पास जी जी बिल्कुल गौर खान साहब फरमा रहे थे कि जी आ, आ, आर्टिकल इक्यावन के मुताबिक जो है सीटें किस किस तरह मिलती हैं जरा सुन लेते हैं उनकी जबानी दिखाइए जी बहरहाल अब बात यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला है देखिए हर कानून का जो हर मामला होता है ना उसमें दो रती अच्छा हाँ इंटरप्रिटेशन जो होती है भुट्टो केस को देख लेना चार जज कह रहे थे इनको फांसी लगा दो तीन कह रहे थे बरी कर दो तो आप ये देखिए आप रसूल का हुक्म हैसल है खाने में जहां हुसल खाने में पेशाब मत करें नहाते हैं आप ठीक है ना अच्छा अब इसकी एक इंटरप्रटेशन ये होगी किसी हालत में किसी तौर

ना उस तरह के फर्श थे ना उस वक्त का सीवरेज सिस्टम था और यानी अब उस इसलिए वहां तो वो ठहर जाता था और छीटे पड़ते थे और इम्कान हो सकता है आप, आपके छीटे पड़ेंगे आप नापाक हो जाएंगे वजन आपका कपड़े जो है नापाक होंगे तो इसलिए कहा कि इल्लत वजह जो है एक फिका की राय ये होगी कि वजह जो है वो खत्म हो गई आज का बाथरूम उस वक्त का बाथरूम नहीं है अच्छा बिल्कुल सही है ठीक है ठीक है इसलिए अब आज कोई वो इसका इतलाक नहीं होगा ठीक है दूसरा अगर नहीं जो कहा है उस हम तो उसके अल्फाज में जाएंगे रूह के मुताबिक रूह के मुताबिक अच्छा। तो नहीं रूह के मुताबिक नहीं। अल्फाज के मुताबिक अच्छा तो अब इसीलिए ये फिका जो है बहाब हनीफा बहुत जोर देते हैं उसकी वजह पर इल्लत क्या है अब रसूल ने एक दस्ता भेजा एक आ, एक पैगाम देना था उन्होंने अच्छा। उन्होंने कहा आप इस तरह जाए पैगाम पर जो थे उनको कहा गुरु भेजा का के आप असर की नमाज वहां जाके पढ़े अच्छा। इतनी तेजी से जाए अच्छा। और ये पैगाम अच्छा। वहां पहुंचे ठीक है अब वो तेजी से गए लेकिन असर का वक्त आ गया मंजिल पहुंचने से पहले अच्छा फिर तो आज आप ये इख्त पैदा हो गए नमाज पढ़ नमाज पढ़ ले वहां जाके पढ़े उन्होंने कहा आदो ने कहा रसूल्ला का मतलब यह था कि तेजी से जाए अच्छा अब हम तेजी से जा रहे हैं नमाज का वक्त हो गया तो नमाज जो है उसका वक्त है नमाज पढ़नी चाहिए तो नमाज पढ़ ली आदो का नहीं और हु, हुआ क्योंकि यह था इसलिए हम तो नमाज जो है वहां जाके पढ़ेंगे सही को एक्चुअल अल्फाज को फॉलो किया आदो ने वहां जाके पढ़ी अच्छा तो अब रसूल्ला के पास जब वापस आए और ये अर्ज किया कि जनाब इस तरह से इख्तलाफे राय हो गया हमारे अंदर वो मुस्करा दिए और किसी को भी ये नहीं कहा कि आप गलत हैं, दोनों दुरुस्त थे सही, सही। दोनों ने हुक्म की पैरवी की थी ठीक है कोई भी नाफरमान नहीं था तो ये फिका है अब अगर आप ये कहें कि कानून की पैरवी करनी है अब इस जमात के पास एक नशिस्त नहीं है उसको भी हमने नशिस्त नहीं देनी है कानून के अल्फाज पे जाना है अगर अल्फाज पे ना जाए तो कानून की जरूरत क्या है सही और एक नुकसान नजर ये होगा कि नहीं हम कानून की तशरी करते हुए की, अगर में देखेंगे, और, दस्तूर की पूरे उसके के देखेंगे, और इसमें फिर आ, ये फैसला कर लेंगे तो ये, ये फिकी है, इसकी गुंजाइश है अच्छा अब मेजोरिटी कहां जाएगी क्या फैसला और एक तरफ जनाब राय जो है रिमाक रहे हैं। बिल्कुल। वो तो मामला बाकी जुजियात को छोड़ दें टेक्निकलिटीज को छोड़ दें लफ्जों को छोड़ दें और दूसरी तरफ काजी साहब कह रहे भाई लफ्जों को छोड़ेंगे तो फिर नजरिया जरूरत ईजाद हो जाएगा और आपने तो फिर मार्शल्लाहों को आपने जवाब दिया बिल्कुल तो बात देखेंगे सर सलमान अगर राजा साहब जब बाहर आए छोटी सी उनकी है उन्होंने एग्जैक्टली वो जो अथर्मिल साहब कह रहे थे ना वो बात की ज़रा मैं दिखाना चाह रहा हूँ दिख, दिखाइए जी को अब अभी सलमान राजा बड़े अच्छे वकील हैं हमारे बड़े दोस्त हैं लेकिन एक एक फरीक के वकील है ना वो अपनी बात कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई इससे अगर इनके पास ऐसी मेजोरिटी आ जाएगी कि ये तो आइन में तरमीम कर सकेंगे अगर इनको दे दी गई लेकिन इससे इसका नतीजा क्या निकलेगा नतीजे से तो गरज नहीं ना अदालत को अदालत ने तो, तो, तो और मेरी राय तो ये थी अगर पीटीआई जो है वो उसके लोग मुंतब होने के बाद अपनी पार्टी पार्लियामानी पार्टी बना लेते और सीटें क्लेम करते तो सौ फीसद उनको निश्चित मिल जाती तो आप भी देखते हैं ये भी सर चाहते दरिया को अपनी मौज की तुगजानियों से काम कश्ती किसी की पार हो या दर में आ रहे अब दो तिहाई मिल जाए या ना मिल जाए क्योंकि एक, एक वो तीन लोग ऐसे थे ना बैरिस्टर आजाद जमा कराए थे उन्होंने लिखी थी कि जी हम पी टी आई से हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनको आजाद ना तो इन, इन सीटों के हिसाब से नहीं, वो, तो फिर, वो तो और तरीके से बात होती ना उनको आजाद करार दे दिया ठीक है तो पीटीआई के बाद टिकट ही नहीं था ना सिंबल ही नहीं था तो उस वक्त सिंबल तो मिलना नहीं था जब वो लड़े हैं यानी आजाद सिंबल पर बल्ले के बगैर तो कह सकते थे हम तो पीटीआई से हैं हम बना रहे हैं पार्टी अपनी क्या कर लेता है इलेक्शन कमीशन उनका तो ये भी है बहरहाल ये भी इलेक्शन कमीशन ने गलत नौशी कर ली ये भी कहा गया अदालत हाँ। में तो अदालत के पास तो दोनों ऑप्शन मौजूद है वो हमारे जस्टिस जावेद इकबाल साहब मरहूम उन्होंने लिखा है ना क्या? कि वो हमारे जस्टिस करम अली चौहान साहब होते थे एक लाहौर हाई कोर्ट के जज थे फिर सुप्रीम कोर्ट के जज भी हुए अच्छा। उन्होंने कहा कि वो हर इस तरह का जो मामला होता था उसमें दो फैसले लिख के ले आते थे अच्छा हाँ जहाँ देखते थे कि जजों की जो मेजोरिटी किधर है उधर और किधर वो फैसला वो उसके मुताबिक वो सादर कर देते थे तो सर दो इंटरप्रिटेशन इसीलिए महफूज किए जाते हैं वो हनफी के साथ की रोशनी में हाँ। एक फिका जाफरिया की रोशनी में अच्छा फिका, फिका जाफरिया जो है हाँ। उसमें तो देखे चेहरे का पर्दा वाजिब नहीं है ईरान में तो चेहरे का पर्दा नहीं है यहाँ तक और वो जनाब हमारे अफगानिस्तान वाले हैं वो डंडा लेके फिरते हैं और अमाबू हरीफा के नजदीक भी वाजिब नहीं है मेरे पास आए थे एक दिन अफगान अच्छा और, और मैंने कहा भाई आपने ये क्या तमाशा बना रखा अबू हनीफा की राय तो ये नहीं है अच्छा चेहरे का पर्दा वाजिब नहीं है औरतें तो चेहरा खुला रख सकती अरब में भी हमें क्या पता था हमें तो एक एडिटर से मिलने आए थे हमें क्या पता मौलवी बैठा हुआ है अच्छा